असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं। नवागत SDOP सौरभ रत्नाकर ने पदभार संभाल लिया है। बीते दिवस गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बालाघाट से सौरभ रत्नाकर का स्थानांतरण पबई SDOP के लिए किया गया था, जिन्होंने पबई पहुंचकर पदभार संभाला। SDOP सौरभ रत्नाकर ने अनौपचारिक चर्चा में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मेरा प्रयास हमेशा क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था के साथ ही असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना रहा है। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सभी लोगों से अपील की कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी समस्या हो तो तत्काल स्वयं मुझसे आकर मिल सकते हैं। पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है और चूंकि जैसा आपने कहा कि एक युवा अधिकारी हैं, तो एक नई सोच एक नई ऊर्जा से जो है अब हमारा सब डिवीज़न पवई काम करेगा। और मेरी जो प्राथमिकताएं हैं कि क्षेत्र में जितनी भी अवैध गतिविधियां संचालित हैं सबको बंद कराया जाए और लोगों को जो है त्वरित न्याय के लिए जो है पवई में ही उपलब्ध हो जाए, उनको पन्ना ना जाना पड़े, काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो इन सब के लिए मैं काम करूंगा, विशेषकर महिला अपराध को रोकने के लिए और अवैध गतिविधियों को जो है रोकने के लिए, इनका नेटवर्क जो है उसको ध्वस्त करने के लिए काम रहेगा। और बाकी आप लोग के सहयोग से और जनता के सहयोग से मैं काम करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर चूँकि मैं आपको बता दूंगा, ये सार्वजनिक रहेगा कि आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी भी आपको कोई अवैध गतिविधि की सूचना मिलती है, किसी अपराध की कोई जानकारी, तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।